25 जुलाई 2024 को पहले तो इसराइल में आत्म सुरक्षा में किए गए हमले के नाम पर हिजबुल्ला पर एक बहुत बड़ा हमला किया था। उस वक्त इसराइल ने कहा था कि हिजबुल्ला तेल अवीव पर सैकड़ों ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट हमले की तैयारी में था, जिसे नाकाम कर दिया गया है। हालांकि इसके चंद ही घंटों बाद हिजबुल्ला ने इसराइल पर जवाबी हमला किया था, जिसमें करीब 200 से ज्यादा रॉकेट इसराइल पर दागे गए थे। लेकिन इसके अगले ही दिन यानी 26 अगस्त 2024 को इसराइल के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री इतमार बेन ग्वीर ने विवादित स्थल अल अक्सा मस्जिद का दौरा किया था, और उसी दौरान उन्होंने ये कहते हुए एक नया फसाद खड़ा कर दिया था कि वो अल अक्सा मस्जिद के बरामदे में एक यहूदी मंदिर बनवाएंगे जिसमें यहूदी आराधना कर सके। और उनके इस बयान पर खुद इजरायली नेताओं ने मोर्चा खोल दिया था। इजरायल की कैबिनेट के कई नेताओं ने ये कहा था कि बेन ग्वीर का ये बयान इजरायल के मुस्लिम देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को खतरे में डाल सकता है। और तो और, पीएम नेतन्याहू के दफ्तर को भी इस मामले पर सफाई देनी पड़ी थी कि अल अक्सा की यथास्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन हमास ने इजरायल को चिताते हुए जरूर कहा था कि अगर उसने वहां मंदिर बनाने की कोशिश की तो उसका नतीजा उसे भुगतना पड़ेगा। और अब इसी मामले को लेकर ईरान ने भी मोर्चा खोल दिया है। ईरान ने अल अक्सा मस्जिद को लेकर चेतावनी देते हुए एक बयान जारी किया, जिसमें उसने कहा कि ऐसी कोई भी कार्रवाई जो कि अल अक्सा मस्जिद की पवित्रता के लिए खतरा पैदा कर सकती है, उसको सहा नहीं जाएगा। ईरानी सरकार का कहना है कि ये कदम इसराइल की तरफ से एक और उकसावे वाली कार्रवाई है जो इस्लामिक दुनिया के सब्र के बांध की परीक्षा ले रही है। दरअसल ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने इसकी निंदा करते हुए कहा, इजरायली कैबिनेट अल अक्सा मस्जिद के संबंध में एक दुर्भाग्यपूर्ण योजना को लागू करना चाह रही है, इस हद तक कि ये बेशर्मी से अल अक्सा मस्जिद में एक आराधना स्थल बनाने के बुरे इरादे को लेकर चिल्ला रही है। वहीं तुर्की के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी करते हुए कहा कि इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्वीर द्वारा अल अक्सा मस्जिद के भीतर एक नया आराधनालय बनाने का बयान इसराइल की यरूशलम और यरूशलम की पवित्र जगह की स्थिति बदलने का एक बेहद ही खतरनाक प्रयास है। इजरायली सरकार के फिलिस्तीनी लोगों पर हमले क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता को हर दिन जोखिम में डाल रहे हैं। आपको बता दें कि इजरायली मीडिया हाउस कैन 11 ने दावा किया है कि इसराइल के हेरिटेज मंत्री अमीकी एलियाहू इस यहूदी मंदिर के करीब $5,45,000 आवंटित करेंगे, जिससे इस विवादित मंदिर को बनाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ बेन ग्वीर के इस बयान की आग अब अमेरिका भी पहुंच चुकी है। इसको लेकर अमेरिकी स्टेट विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, इतमार बेन ग्वीर अराजकता फैलाने और इसराइल की सुरक्षा को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश यरूशलम में पवित्र स्थलों के संबंध में ऐतिहासिक यथास्थिति के पवित्र घोर असहमति प्रदर्शित करेगी। पीएम नेतन्याहू के कार्यालय ने स्पष्ट कर दिया है कि मंत्री बेन ग्वीर के कार्य और बयान इसराइली सरकार की नीति के अनुरूप नहीं है, और इसराइल सरकार में कई जिम्मेदार लोगों ने उनकी निंदा की है। ये महत्वपूर्ण है कि इसराइली सरकार अपनी नीति का पालन सुनिश्चित करना जारी रखे। आपको बता दें कि मैथ्यू मिलर ने अपने बयान में आगे ये भी साफ कर दिया कि अमेरिका यरूशलम के पवित्र स्थलों पर ऐतिहासिक यथास्थिति के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है, और ऐसे एक तरफा कदमों का वो विरोध करना जारी रखेगा जो शांति और स्थिरता हासिल करने के लिए प्रतिकूल हैं और इसराइल की सुरक्षा को कमजोर कर सकते हैं।